नमस्कार दोस्तों, मैं शाइनी सीट कैसे हम दोस्तों वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग टॉप बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों भाई, ध्यान रख रहे हो है घर पे रहने का, हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का, बाहर नहीं जाने का, जो उपाय कर सकते हो वो उपाय अभी करो, बाकी लॉकडाउन के बाद कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगी है कि नहीं, जान है जहान है, सीधी बात, हम ठीक रहेंगे हम तभी औरों का ध्यान दे पाएंगे, सीधी बात है ना। तो अब आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई तेल से कितना कमाल धमाल भी हो सकता है और कितना बंदा कहते हैं ना बर्बादी के टुवर्ड्स जा भी सकता है। सही बात है। अब मैं एक बात बता देती हूँ, कल मेरी कंसल्टेशन हुई थी है ना, मेरे को बड़ी चीजें ना सीखने को भी मिलती हैं और कई बार चीजें पॉइंटर्स जहां पर लोग गलत जा रहे हैं वो भी चीज पता चलती है, जो अब आज की है ना कुछ वीडियोस में मैंने वो चीजें आपसे डिस्कस करनी शुरू करी हैं, क्योंकि इससे ही पता चलता है, क्या पता वो चीजें आप कर रहे हो। सीधी बात, अब तेल जो होता है ना तेल कहीं पर कंसल्टेशन पे गए होंगे, उन्होंने बोला भाई सरसों के तेल की मालिश किया करो, एवरीडे मालिश। अब ये बात सही है कि साढ़े सती पे शनि पे मैंने भी आपको तेल के उपाय बताए हुए है ना, कि तेल की मालिश करने का, तेल और कपूर डालकर आप अपने सर पे शनिवार को करते हो तो बहुत उसका सैटर्न का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है। लेकिन यही अगर आप संडे को करते हो है, ट्यूसडे को करते हो, मतलब रविवार को करते हो, या मंगलवार को करते हो, थर्सडे को करते हो, गुरुवार को करते हो, या शुक्रवार को करते हो, फ्राइडे को करते हो, आपको पता ही है कितना नेगेटिव इफेक्ट दे देगा आपको। सीधी सी बात है, पहली बात तो चाहे वो कोई भी तेल हो है ना, पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है सन एंड मार्स, सूर्य मंगल एज इट इज बड़े हॉट प्लैनेट है, आपके शरीर में ये पित्त कहते हैं ना, ब्लड रिलेटेड इशू, पित्त, ये सारी चीजें उत्पन्न करता है, ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न करता है। इस वजह से अगर तो आप संडे को, मंगलवार को, शुक्रवार को और थर्सडे को, गुरुवार को अगर तेल लगाते हो बॉडी पे, ये बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके करेगा ही करेगा, बनाएगा तो क्या ही, बर्बादी के टुवर्ड्स और जाओगे। सीधी बात है, मंगलवार को जब आप तेल लगाते हो आपको पता है कितने ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं आपको, ये चीज है। अगर करना ही है ना, वैसे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं कहती हूं अगर करना ही है तो संडे को तिल का तेल। वैसे तो आपको एक चीज बता दूं, ये चीज बिल्कुल गलत है, क्या है ना, अब मैं आपको बताती हूं कौन कौन से दिन आप अगर तेल लगाते हो तो उससे आपको फायदा होगा, मैं आपको वो भी बता देती हूं है ना। ये पहली बात, मंडे, मंडे को क्या होता है आपके आपके फेस पे वो एक तेज आता है, आपके फेस पे एक आकर्षण आता है, जब आप मंडे मंडे ठीक है, वेडनेसडे, बुधवार, सोमवार, बुधवार, शनिवार, ये तीन दिन है, बहुत हो गया अपने ग्रह को मजबूत करने का भी और अपने क्या कहते हैं ना आपको जो भी तेल की आवश्यकता है उसको पूरी करने का। थर्सडे को, गुरुवार को अगर आप करोगे आपकी सुख शांति कहते ना भंग हो जाएगी, आपको आपके घर पे आप देखोगे ग्रह कलेश होने शुरू हो गए, आपको समझ नहीं आएगा, सुख मिल ही नहीं रहा हर चीज होने के बाद भी, उपाय तो बाद में काम करेंगे, पहले ये चीज से तो बच जाओ। इसकी अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी भाई क्या ऐसा रीजन है कि उपाय काम नहीं करता, वो भी बड़ी जबरदस्त चीज है, वो भी आपको पता होनी चाहिए है ना। तो अब सबसे पहली बात, अब अगर जैसे मैंने इत्र का यूज बताया हुआ है आपको, मैंने आपको हर चीज का, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, तेल से बड़े उपाय भी होते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें ये समझ लो कि हमने संडे को, ट्यूसडे को, क्या कहते हैं थर्सडे को और शुक्रवार को हमने तेल नहीं प्रयोग करना, ना सर पे ना अपनी बॉडी पे, सीधी सी बात है। इससे क्या होगा, इससे हमको मंगल और सन, मंगल और सूर्य खराब होंगे, पहली बात तो ये है समझो, दोनों हॉट प्लैनेट है, इससे क्या होगा, इससे और शरीर में गर्मी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, पिंपल्स आते हैं, फेस को खराब करोगे, क्या फायदा। बुधवार को तेल लगाओ, सोमवार को तेल लगाओ, ब्यूटी बढ़ानी है, अपना आकर्षण बढ़ाना है, कब लगाओ, बुधवार को लगाओ,
शनिवार को जितना भी जिन लोगों को स्ट्रगल आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया तिल का तेल भी यूज करते हो आप, शनिवार को आप अपना सरसों का तेल उसमें कपूर डालकर करो, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अगर आपने शुक्रवार को करना है, शुक्रवार को चमेली का तेल यूज करो अपनी बॉडी पे, या आप अपने बॉडी पे कौन सा या सर पे कौन सा शुक्रवार को करोगे, नारियल का तेल। नारियल के तेल से भी शुक्र, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारा जो बॉडी है वो पांच तत्व से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर, है ना, और एक हो गया स्पिरिट, सीधी बात है, पांच तत्व है। तो जब हम इस एलिमेंट को यूज करते हैं हमारे प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं, और गलत डे पे यूज करने से हमारे प्लैनेट वीक होते हैं, सीधी बात। सेंस मैं सिंपल तरीके से समझा रही हूँ कि जितने भी लोग हो, ये बताने के लिए हाँ जी मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को जो नॉलेज है मैं आपको बता रही हूँ, और ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि लोगों को खराबी दे रही है तो आपको बता रही हूँ, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा एक और चीज़, जिनके पत्री में क्या कहते हैं बुध कमज़ोर है, अगर आप तेल लगाते हो इन दिनों में, जिन दिनों में मैंने आपको बताया है, नारियल का तेल में खस मिला लो, या नारियल के तेल में ब्राह्मी एक आती है, मैं कहती हूँ खस जो है नारियल का तेल और क्या कहते हैं खस बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग करती है, और बुध को अगर पॉजिटिव बनाना है तो नारियल का तेल और ब्राह्मी जिसको बोलते हैं उस चीज को, आपको मालूम है ये आपके जो माइंड है इसको कितना तेज करेगा, आपका आकर्षण कितना, क्योंकि बुध अगर पॉजिटिव होता है आपकी ब्यूटी, जैसे शुक्र इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही बुध इंपॉर्टेंट होता है, सीधी सी बात है, ये चीज है। अगर आपका है ना ये क्या बोलते हैं मून वीक है, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीजें होती है, तो क्या करोगे, आपने जो सफेद तिल होता है उसका तेल यूज करना शुरू कर दो, आपकी डिप्रेशन, आपके मूड स्विंग्स, भाग्य का कारक भी मून होता है, अगर आपके पत्री में मून वीक है तो आप इस चीज का प्रयोग करो। अगर आपकी पत्री पे है ना शनि वीक है तो क्या करोगे, मैंने बताया सरसों के तेल में कपूर डालकर उससे मालिश करो, बहुत जबरदस्त आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, हमें चीजें बनानी है, सीधी बात है। आपको मैंने उसका भी बताया, शुक्र जैसे मैंने बताया नारियल का तेल और चमेली का तेल इज बेस्ट, इट इज बेस्ट टू इम्प्रूव योर वीनस, आप अपना वीनस स्ट्रांग करना चाहते हो तो ये चीज करो। मंगल को स्ट्रांग करना है क्या, तिल का तेल यूज करो, बहुत जबरदस्त है। केतु को स्ट्रांग करना चाहते हो तो फिर तिल का तेल, राहु और केतु को स्ट्रांग दोनों, सरसों भी करता है तिल भी करता है। आप सही चीज कहते हैं ना, सही टाइम पे जब हम सही चीज करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है, सीधी बात है। और गड़बड़ की तरह हो जाती, गड़बड़ हमें पता ही नहीं होता, कोई भी कुछ किसी का क्या जाता है, बट एक लॉजिक माइंड यूज करो। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, इट इज ये अंधविश्वास नहीं, सिर्फ क्या ये अंधविश्वास नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी को जितना साइंटिफिकली समझोगे, जितना लॉजिकली समझोगे, उतनी आपकी आसानी से आपकी लाइफ आसान होती चली जाएगी। इसको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये वीक है अरे तुम्हारा ये कर देगा, आप उसके तत्व को उसी की चीज से नलिफाई कर सकते हो, ये चीज समझने की कोशिश करो। कैसे लोगों के इतने काम बन रहे हैं, सही तरीके से समझ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं तभी चीजें बन रही हैं, सीधी बात। तेल से हम बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं, मैंने आपको इसकी वैसे अगली वीडियो भी बनाऊंगी, बड़ी बहुत जो चीजें मेरे को बतानी है एक वीडियो में, सारी चीजें थोड़ा समझ आती है, ये भी कर लो वो भी कर लो, ये चीज आपको पहले पॉइंटर समझ आ गए, जो कल मैंने कल ही सोचा था कि ये मेरे पाशा लोगों से मैंने डिस्कस करना है। दूसरी चीज एक और चीज बताती हूँ, है ना, जिनको भी स्ट्रगल्स बढ़े जा रहे हैं, स्ट्रगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, पहली बात तो एवरी डे पीपल के पेड़ पे जल देना शुरू कर दो, एक्सेप्ट संडे को, संडे को ये जल नहीं देना, पीपल के पेड़ पे तिल का तेल जलाना शुरू कर दो एवरी डे, शनिवार को सरसों का तेल लगाओ, उससे दिया जलाओ, उससे दीपक जलाओ। जिनको भी मतलब मैंने पहले भी बताया और इसके इफेक्ट्स माइंड ब्लास्टिंग वाले हैं, जिन लोगों ने उपाय किए हैं उन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं,
छायादान सरसों के एक दिए में, एक बड़े से ना डोंगे में, या जैसे भी सरसों का तेल जो होता है, सरसों के तेल डालकर उसकी अपनी छाया देकर पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख के आ जाओ, या इस पे दिया जला लो, सीधी सी बात, वो भी चलेगा। जिनको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, बैंगन होता है, मैंने पहले एक आपको बताया था चने, है ना, चने सरसों के तेल में, चने काले चने जो होते हैं वो मजदूरों को दान दो। एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए भी एक बात बता रही हूँ, आलू के जो, आलू और बैंगन की जो सब्जी होती है, एंजल है, आलू और बैंगन की सब्जी और साथ में पूड़िया, सरसों के तेल में पूड़िया तल के, ये जो चीज है मजदूरों को या बाहर जरूरतमंद को, या जिनकी आंखें ना हो, नेत्रहीन जिनको बोलते हैं, उनको आप देना शुरू करो, यू विल सी द चेंजेस। आप अपनी लाइफ को आप अपने हाथ से ही ठीक कर दोगे। जो शांत करना है ग्रह को वो आपने करना है, कोई आपका ग्रह शांत और मजबूत नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट आपके, सीधी बात। लोहे का, लोहे शमी के पेड़ के नीचे लोहे के बर्तन में चौमुखा दीपक जलाने से स्ट्रगल्स हटती है, पैसों की तंगी दूर होती है, कारोबार में रुकावट बंद होती है, ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त चीजें हैं, इस चीज को करना शुरू करो। शमी के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक सरसों के तेल का वो जलाना शुरू कर दो, बहुत जबरदस्त है। और भी चीजें बताऊंगी, पहले ये चीजें अपना शुरू करो, बहुत ये कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग इफेक्ट्स देगा। एक और आपको चीज बताती हूँ, मालपुआ जो होता है, मालपुआ है ना गुड़ और आटे को मिलकर मालपुआ जो होता है, वो बांटना शनिवार को शुरू कर दो, बहुत जबरदस्त इफेक्ट दे देगा। ये चीजें छोटी छोटी होती है, ये कहां पर हमारे स्ट्रगल्स खत्म करती जाती है हमें पता नहीं चलता। इसकी अगली वीडियो, और भी वीडियो बनाऊंगी अभी बाद में, है ना, इसका अगला टॉपिक कोई और भी हो सकता है और इस बारे में भी हम बात कर सकते हैं, बट ये जो चीजें हैं ये छोटी छोटी होती है बट होती बड़ी जबरदस्त है। छायादान के जो इफेक्ट्स हैं बहुत माइंड ब्लास्टिंग है, आपको जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स है, इसको करना शुरू कर दो। एक और आपको चीज बता देती हूँ, एक सिंदूर, एक सिंदूर की डब्बी, आग का पौधा जो होता है ना, तीन फूल उसके, तीन फूल कह रही हूँ, सात फूल उसके और सात मालपुए किसी पोटली में बांध के अपने सर से सात बार वार कर किसी चौराहे पे शनिवार को सुबह दोपहर शाम या रात कभी भी छोड़ के आ जाओ और वहां पर सरसों के तेल का दिया जला दो और बस ये प्रे करो कि मेरी जितनी भी स्ट्रगल्स है वो कट अवे हो जाए, हट जाए। इसको हर सैटरडे किया करो, इसको हर सैटरडे किया करो, आपको पता है कितना जबरदस्त है ये उपाय। स्ट्रगल हर तरह की तरीके की होती है ना, हम लोग बोलेंगे कैसी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आज, जब प्लैनेट नेगेटिव होता है वो ये थोड़ा देखता है, उसको हर बंदे को कहीं पर मैरिज में प्रॉब्लम हो जाती है, धन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी चीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब प्लैनेट पॉजिटिव होना शुरू होगा वो हर लेवल पे चीजें ठीक करेगा ना, सीधी सी बात है ना, इस चीज को समझो। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो करो, है ना, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगी। वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, है कि नहीं, लाइक करेगा है कि नहीं, लाइक आप मुझे करोगे दुनिया करेगी यूनिवर्स करेगी मैं तो कहती हूँ, है ना, और डिसलाइक वालों आई लव यू टू मच मैन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना प्यार जब मिलता है और सच्ची सच्ची दिल से वाला जब प्यार मिलता है तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई पंगा ही नहीं, जितना भी डिसलाइक करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी शेयर करो पाशा लोगों, वीडियो को शेयर करो, इसलिए करो हर बंदे की जिंदगी ठा हो जाए यार, हर बंदा डिजर्व्स एंड नीड्स टू बी हैप्पी, सीधी बात है, बर्थ राइट है लोगों का हैप्पी होना। छोटी छोटी चीजों से घबराया ना करो, बस ऊपर वाले पे विश्वास रखकर चलते रहो, उनको पता है आपके मन में क्या है, उनको वो सब जानते हैं, ये एक टेस्ट है, एक लर्निंग है, कोई ऐसी बात नहीं, हिम्मत रखोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत ही तो है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत है। मन मजबूत जिस दिन कर लिया, जिस दिन ठान ली कि मैंने मेरा काम बनाना है, ग्रह झुक जाएंगे आपकी स्ट्रगल के आगे, हाथ ऊपर कर देंगे, भैया हमारे बस की बात नहीं है, आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी,
कहते हैं ना उपाय कैसा होना चाहिए और ऊपर वाले की कहते हैं ना इबादत, उनकी प्रेयर्स, उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए आपका काम बनाने के लिए। ये बात है, ठीक है पाशा लोगों। अब आज हो सकता है दूसरी चीज भी आपको बताऊंगी, उपाय काम क्यों नहीं करते। तो बस ठीक है, और ध्यान रखो आप अपना बहुत अच्छे से, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर कुछ नहीं समझ आए कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगी मेरे पाशा लोगों को, ठीक है। थोड़ा लेट हो जाए, कई बार कंसल्टेशन होती है, समझा करो, बुरा नहीं मानने का, आई लव यू अल्टीमेट वाला, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।